हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इस चैनल पे। तो व्यूअर्स, इस दो दिन तीन दिन के अंदर बहुत सारे नोटिफिकेशन यानी जितना भी पेंडिंग इंटरव्यू है आसाम पुलिस के अंदर, सबका सब धीरे धीरे पब्लिश किया जा रहा है ऑफिशियल वेबसाइट में। तो अगर आपने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो अभी से रेडी हो जाना, ओके। तो व्यूअर्स, जिन सब कैंडिडेट का कंप्लेन है रिगार्डिंग कट ऑफ मार्क के ऊपर या रिजल्ट के ऊपर, यानी बहुत सारे कैंडिडेट ने कंप्लेन किया है सोशल मीडिया पे एंड बहुत सारे चैनल पे। तो रिसेंटली जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का रिजल्ट दिया गया है, इसके ऊपर वेरियस पोस्ट के लिए इसके ऊपर कंप्लेन किया गया है। तो इसके ऊपर एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट में दिया गया है जो मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगा। उसमें क्या क्या लिखा गया है इसके बारे में मैं क्लियर करूंगा, ओके। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने से पहले मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक इसी जिनफर ज्ञान चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो इसी चैनल से आप लोगों को मिलते रहेगा। एंड हर वीडियो पे एक लाइक और शेयर जरूर करना व्यूअर्स, ओके। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो व्यूअर्स, वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यानी इंफॉर्मेशन दिखाने से पहले आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर पे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कीजिए, जहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे लिंक दिए गए हैं। देखिए, पहले आपको मैं आप लोगों को लिंक दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को क्या इंफॉर्मेशन, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट में, वही इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं दिखाऊंगा एंड क्लियर करूंगा, ओके। तो उससे पहले आप देखिए, रिटर्न एग्जाम के लिए जो अपना एग्जामिनेशन रिटर्न एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड डाउनलोड यहाँ पे दिए गए हैं, कॉमन रिटर्न एग्जाम पोर्टल, इस पोर्टल पर क्लिक करके अपना रिटर्न एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो एंड अपना सेंटर सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, ओके। इसके बाद व्यूअर्स, यहाँ पे देखिए, प्लीज सिलेक्ट हियर, गो टू एडमिट कार्ड डाउनलोड पोर्टल, यानी जो रिसेंटली जो ABNEB एंड कमांडो के लिए एडमिट कार्ड अभी तक नहीं दिए गए हैं, ABNEB के लिए जिन लोग कैंडिडेट ने अप्लाई किया है 9 जनवरी लास्ट एप्लीकेशन का, उसमें अगर जिन सब कैंडिडेट ने अप्लाई किया इसका एडमिट कार्ड ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया गया है, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो आज से। तो 15 डिस्ट्रिक्ट से कैंडिडेट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो यहाँ इस पोर्टल से, एंड फरवरी पे आप लोगों का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, ओके। तो अभी आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए इस पोर्टल से, ओके। इसके बाद यहाँ पे देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल यहाँ पे दिए गए, यहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो रिसेंटली, ओके। तो इसके बाद यहाँ पे रिजल्ट पोर्टल भी दिया गया, यहाँ से आप अपना रिजल्ट जान सकते हो। उसके बाद वेरी गुड न्यूज़ फॉर प्लाटन कमांडर, यानी 40 पोस्ट के लिए जिन सब प्लाटन कमांडर के पोस्ट के लिए जिन सब कैंडिडेट ने रिटर्न एग्जाम दिया था, इन सब कैंडिडेट का रिजल्ट ऑलरेडी दे दिया गया है एंड यहाँ पे नोटिस भी दिया गया है आप लोगों को, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए बोला गया है एंड आप लोगों का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, ओके। तो चलिए व्यूअर्स, मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया इसके बारे में आप लोगों को मैं बोल देता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट ने कंप्लेन किया रिसेंटली जो रिजल्ट दिए गए इस रिजल्ट के ऊपर, तो क्या इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एंड ये इन्फॉर्मेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है एंड इस यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, रीड कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए यहाँ पे रिजल्ट पोर्टल देगी, इस पोर्टल पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एंड यहाँ पे देखिए चेक योर रिजल्ट, यहाँ पे देखिए रिजल्ट पर अगर आप लोग असंतुष्ट हो तो यहाँ से आप जान सकते हो क्या कर सकते हो, आप कंप्लेंट किस तरह कंप्लेंट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखिए न्यूली यह इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए गए, इस बटन पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ से आप जान सकते हो। ये इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं आप लोगों को ओपन करके भी दिखा देता हूँ, ओके। तो व्यूअर्स, यहाँ पे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर चुका है एंड यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट दिया गया है, देखिए 1 से लेकर 8 पॉइंट दिया गया है व्यूअर्स। तो यहाँ से जितना भी पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा एंड ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए व्यूअर्स, तो ध्यान से सुनिए, ओके। वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत कीजिए एंड एक लाइक कर देना व्यूअर्स वीडियो को, ओके। तो चलिए पहले नंबर यहाँ पे देखिए, टोटल 18,622 नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर फॉर टोटल 9,171, तो पोस्ट था 9,171, इसमें से 18,622 नंबर ऑफ कैंडिडेट ने अपीयर किया है एंड अलग अलग पोस्ट में अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे दिया गया, जैसे कि ABNEB के लिए कितना पोस्ट दिया गया वैकेंसी है यहाँ पे एंड यहाँ पे APRO में कितना पोस्ट है, उसके बाद फायर इमरजेंसी सर्विस में कितना पोस्ट है, यह सब बोलने की कोई जरूरत नहीं, आप लोगों को पता है। उसके बाद तो सेकंड नंबर पॉइंट पे यहाँ पे लिखा गया था कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मेजरमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिपीटेड चिप रीडिंग फॉर 3.2 किलोमीटर / 1.6 किलोमीटर एंड लेजर रीडिंग फॉर द लॉन्ग जम्प एलोंग विद द मार्क ऑफ कैंडिडेट हैव बीन मेंटेन इन डेटाबेस इंक्लूडिंग ऑल द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, दिस ऑल आर मेंटेन प्रॉपरली इन डिजिटल फॉर्मेट।
इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है 3.2 किलोमीटर यानी 3200 किलोमीटर जो आप लोगों का रनिंग हुआ है एंड 1.6 किलोमीटर फीमेल कैंडिडेट का रनिंग हुआ है। ये सब रनिंग यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट चिपसेट के द्वारा आप लोगों का लिया गया है एंड एलोंग विथ लॉन्ग जंप एंड मार्क्स ऑफ कैंडिडेट हैव बीन मेंटेन्ड डाटाबेस इंक्लूडिंग ऑल फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। जितना भी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया गया है सब कुछ डिजिटल फॉर्मेट वाइज लिया गया है यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट पे लिखा गया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे व्यूअर्स से 3 नंबर पॉइंट पे लिखा गया वीडियो फुटेज ऑफ द इवेंट इन एडिशन टू अबव रिकॉर्डेड ऑल रिकॉर्ड आर आल्सो अवेलेबल फॉर ईच कैटेगरी ऑफ इवेंट। वी हैव कंप्लीट डाटाबेस ऑफ ईच कैंडिडेट एंड देयर एप्लीकेशन परफॉर्मेंस एंड मार्क्स ऑब्टेंड इन द इवेंट देयर ऑफ। यानी हर कैटेगरी हर इवेंट का वीडियो फुटेज ऑलरेडी रिकॉर्ड किया गया है एंड अवेलेबल है ऑफिस में ऑलरेडी, तो अगर आप चाहो तो आप लोग चेक कर सकते हो परफॉर्मेंस का वीडियो रिकॉर्ड। ओके, इसके बाद यहाँ पे 4 नंबर पे लिखा गया रिजल्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज पर मेथोलॉजीज व्हिच आर फॉलोड इन रेस्पेक्ट ऑफ रिपोर्टेड नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यानी आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है सब कुछ रिजल्ट रिपोर्टेड नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखिए 5 नंबर पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है As a matter of principle, candidate equally up to level 5 times number of post of each category such as unreserved OBC, OBC, SC, ST and etc. have been called for written exam. For reason, like many thousand candidates appear in cleaning clearing cutoff in both AB and EB streams are reserved category candidate securing more marks than unreserved category. तो आप सबका रिजल्ट बनाया गया है हर कैटेगरी वाइज वैकेंसी के ऊपर 5 times कैलकुलेटिंग करके रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है व्यूअर्स। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट अपीयर किया है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पे एंड जितना भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है इन सब कैंडिडेट ने बहुत ज़्यादा मार्क कलेक्ट किया है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पे अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट से बहुत ज़्यादा मार्क कलेक्ट किया है, इसलिए कुछ अनरिजर्व कैटेगरी पे सिलेक्ट किया गया है कुछ कैंडिडेट को रिटर्न एग्जाम के लिए। ओके, इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट दिए गए जो आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जिन सब कैंडिडेट रिजल्ट के लिए इस रिजल्ट के ऊपर असंतुष्ट है इन सब कैंडिडेट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 6, इन केस ऑफ एनी डाउट कैंडिडेट विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वेरीफाई एंड चेक द अबव मेंशन्ड रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डाटाबेस मेंटेन्ड एंड ऑल्सो द वीडियो फुटेज एक्सेट्रा विद इन 45 days फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट। हाउएवर दिस विल बी ऑन पेमेंट ऑफ एन अमाउंट टू बी fixed by state level police recruitment board in due course. In case of any doubt, jin sab candidate is result ke upar doubt hai to in sab candidate ke liye ek opportunity diya gaya hai. kya opportunity diya gaya hai yahan pe dekhiye to verify and check the above mentioned record. आप लोग अपना रिकॉर्ड आप दोबारा आप वेरीफाई कर सकते हो देख सकते हो कहीं पे आपने गलती क्या है रिजल्ट में गलती हुआ या नहीं आप लोग चेक कर सकते हो अपना रिजल्ट खुद आप देख भी सकते हो। वीडियो फुटेज यहाँ पे लिखा गया है विद इन 45 days के अंदर आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा अपना रिजल्ट दोबारा चेक करने के लिए, लेकिन इसमें आप लोगों को पेमेंट यानी फी देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा गया दिस विल ऑन पेमेंट ऑफ एन अमाउंट टू बी फिक्स्ड स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा फिक्स किया गया एक अमाउंट फिक्स किया जाएगा उसी फी आपको देना पड़ेगा इसको दोबारा चेक करने के लिए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन लोग कैंडिडेट को डाउट है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो दोबारा एप्लीकेशन कर सकते हो रिजल्ट चेक करने के लिए। ओके, और बाकी जो यहाँ पे 2 पॉइंट बचा हुआ है ये 2 पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन लोग कैंडिडेट मिलिटेंसी इलाका से इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को अगर आप लोगों को डाउट लगता है इस रिजल्ट के ऊपर तो आप लोग 45 days यानी फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले आप लोग दोबारा एप्लीकेशन कर सकते हो अपना रिजल्ट चेक करने के लिए। ओके व्यूअर्स, तो इसके रिगार्ड और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए मैं आप लोगों का रिप्लाई डेफिनेटली दे दूंगा। व्यूअर्स एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।